हम गरीब है, हमारा घर क्या नाम है? कैंडी कैंडी कुछ। अयो भाई तुमको मिल गया है अंडी को। सो हेलो गाइज, वेलकम टू माई व्लॉग्स, वेलकम टू बॉनी व्लॉग्स। तो एज यूजुअल मैं भी रेडी हो चुका हूँ। अभी बज रहा है 4:51 सैटरडे, तो वीकेंड आ चुका है गाइज। आप लोगों को सबको ही पता है वीकेंड में हर कोई मस्ती करने जाते हैं, एनीवेज हम लोग तो रोज ही मस्ती करने जाते हैं। तो आज क्या हुआ, आज बहुत सुबह से बारिश हो चुका है, वैसा जोर से बारिश नहीं हुआ है बट कंटिन्यूसली होते रहा, तो थोड़ा पानी भी जम गया था। तो अभी आधा घंटा पहले बारिश रुक गया था, तो उसके बाद हम लोग क्या सोचे, मैं राहुल को कॉल किया, राहुल को एक जाने का प्लान था बाहर, राहुल जा नहीं पाया बारिश के लिए, आंटी जाने नहीं दी, तो ऐसे मेरे मम्मी भी मुझे जाने नहीं दे रही थी। बट मैं बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद 10-15 मिनट मम्मी को फटाफट आने के बाद मम्मी बोली अच्छा ठीक है जा, ज़्यादा ठंडा नहीं लाया, बिकॉज मुझे वैसे भी 2 दिन से बहुत कोल्ड लगा हुआ है। एवरी टाइम मैं स्नीज कर रहा हूँ, मतलब एकदम कलर अगर आप देखते तो नाक पूरा लाल हो गया था। एनीवेज कल मैं ब्लॉग बनाने गया था बट बनाने पर इतना तबीयत खराब हो गया था। तो एनीवेज गाइस आज सैटरडे जैसा है तो हम लोग निकलेंगे एज यूजुअल, कोई प्लान नहीं है। राजबेरी जाएंगे, राजबेरी कोलकाता में जो रहते हो आप लोग, राजबेरी प्रॉपर आपको पता होना चाहिए, बहुत अच्छा जगह है, बहुत घूमने का जगह, उधर मॉल्स है, तो उधर ही जाएंगे। जाके क्या करते हैं, मस्ती करते हैं, देखते हैं क्या करते हैं। एज यूजुअल हम लोग का ब्लॉग आपको पता ही है, ये हम लोग, ये मेरा 4th ब्लॉग है। तो एनीवेज गाइस ऐसा ही हंसाते रहेंगे, मस्ती करते रहेंगे बस, और कुछ नहीं, और लाइफ में है भी क्या गाइस, हंसते रहो खुश रहो बस। और चलिए सब निकलते हैं। अभी हाथ में मेरे प्रेस है, अभी मैं प्रेस कर रहा हूँ, देखिए ये प्रेस कर रहा हूँ, बिकॉज ये मेरे सर पे रहता है ऑलवेज, ये बालों के लिए ये बहुत बड़ा बाल, ये बाल को होल्ड करके रखते हैं, हेलमेट पहनने के बाद वो प्रॉब्लम हो जाता है, आप लोगों सबको पता है जिसको बाल, मतलब जिसका बड़ा बाल है। तो अभी मैं ये प्रेस कर रहा हूँ सही से, नहीं तो फिर से सर्दी लग जाएगी गाइज। तो यही है, ये अभी सर पे पहनूंगा तो बहुत कम्फर्टेबल फील होता है। देखिए मेरा प्रेस करने का टेक्निक, आराम से सूख जाएगा, सूख गया होगा ऑलमोस्ट। तो हे गाइस दिस इज आकाश, आ गया हूँ। आपको लग रहा होगा कि कैमरा कौन होल्ड किया, कैमरा राहुल होल्ड किया है, ये अलग अलग कारना में करते रहते हैं, ये तो क्रिएटिविटी है अपना, और इतना तो हम कर ही सकते हैं आप लोग के लिए, और आप लोग जब इतना सपोर्ट नहीं कर रहे तब भी हम कर रहे, तो कि आप और ज़्यादा, आप लोग और ज़्यादा सपोर्ट करें, हमें लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, जो कि आप लोग नहीं कर रहे, फिर भी हमारा कोशिश जारी है। हाँ तो कोशिश जैसे जारी है, देख ही रहे कि हम लोग फिर एज यूजुअल आ चुके हैं। इसका प्लान था सुबह, आपको बोले थे, तो अभी हम ये बारिश की वजह से थोड़ा डिले हो गया हमारा प्लान में, लेकिन मतलब मैं प्लान में नहीं था, वही था बिकॉज ये बारिश के लिए मुझे भी नहीं निकलने दे रहा था। तो अभी मतलब निकल गए हम लोग, देखते कहाँ जाते हैं, एज यूजुअल कोई प्लान नहीं रहता है। तो इतना दिन बाद दर्शक हम लोगों को देखा, तुमको देखा, दर्शक मेनली आप उसको देखे, तो क्या कुछ बोलना चाहते हो, कुछ एक्स्ट्रा कुछ? आज बोलेंगे लेकिन घूमते घूमते बोलेंगे। आज लग रहा है ब्लॉग और थोड़ा अच्छा होगा। हाँ, एडिट भी करने मुझे उतना प्रॉब्लम नहीं होगा। एडिट का क्या है, वो तो लास्ट वीडियो बहुत मुझे एडिट करना पड़ा, वो तो उन लोग का ही सपोर्ट है। तब तक बाय, मिलते हैं। अभी रोनी और सोमदीप को वेट कर रहे हैं, बट अभी वो कॉल कर रहा है, अभी बात करते हैं, कॉल किया, अभी देखते हैं, कॉल किया। हाँ हेलो, हाँ कोठा है जी, गाइस हम लोग आ गए अभी बिग बाजार, और बिग बाजार में आज क्यों आए हैं, राहुल भी आए हैं मेरे साथ, क्यों आए हैं पूछ ले रहा हूँ क्यों आए हैं बिग बाजार में? आज मेरा बर्थडे। तुम्हारा आज बर्थडे है? मेरा बर्थडे के लिए कुछ शॉपिंग करने आया। अच्छा अच्छा, ठीक है। हम लोग क्यों आए बिग बाजार में, तुम तो पागल कर दियो आज मुझे बुला। बंदे जो है, बंदे को एक बार दिखाइए, बहुत साउंड आ रहा है। इस बंदे के पास पैसा नहीं है, टी शर्ट या पैंट या अंडरवेयर खरीदने का कोई पैसा नहीं है। मतलब हम गरीब है, हम गरीब ओपनली बोल रहा है, ये गरीब है, इसके पास कोई पैसा नहीं है। हम आज इनको एक जामा, एक जांघिया और एक पैंट भी देने आए। और आप? मैं कुछ खरीदने नहीं आया। तो आप किस लिए आए? घूमते आया। दीपम से पूछ के आए हो क्या? नहीं नहीं, ये बस मेरे साथ घूम दिए, और कोई काम नहीं। कुछ पसंद आया आंटी? नहीं अभी देखते, कुछ पसंद नहीं आया। क्या है यार, इस गरीब का बात देखिए, पैसा नहीं है फिर भी बोल रहा है कुछ पसंद नहीं। अरे अरे वो तो हम लोग देंगे ना, हम लोग देंगे इसलिए शायद अभी तक पसंद नहीं आया। खुद का पैसा होता तो अभी तक पसंद आ भी चुका होता। क्या रहो, सही बोले तो सही है, कैसा है एकदम 100%। आए क्यों भाई, इधर आओ इधर आओ,
खरीदना तो उन लोग को है, खरीदना तो उन लोग को है, और हमको देख के पैसा भी नहीं मिलना, नहीं मिलने वाला है, पैसा सिर्फ देना ही है, तो आना ही क्यों है? ऊपर से ये बकबक में सुनना पड़ रहा है, सुनना पड़ रहा है। लोग अभी सब जा रहे हैं, हाँ जा रहे हैं, हम जा रहे हैं अभी मैक्स में, क्योंकि इस गाड़ी को बिग बाजार में कुछ पसंद नहीं आया, देखते हैं मैक्स में जाके क्या बोलता है ये गाड़ी। मतलब उसका कलेक्शन का तरह कुछ नहीं आ रहा है, तो उसका नाम ऑलरेडी वो भिखारी दे चुका है उसको। तुम भिखारी इधर इधर मैं ऊपर ऊपर ऊपर, तो उसको तुम भिखारी क्यों बोल रहे हैं? भिखारी बोल रहे हैं क्योंकि भिखारी है, हमसे वो गरीब है। और एक बार बोलो, हम गरीब है, हमारा घर गरीब नहीं है। मतलब ओ, तुम गरीब हो, तुम्हारा घर गरीब नहीं है? नहीं है, मतलब मेन टॉपिक है। हाँ क्या है? यही मेन टॉपिक है। तुम ये बात बोले कोई सेंस नहीं बनता है। इसका नाम है गैंडी रॉय। क्या है? गैंडी रॉय। गैंडी क्या नाम है? कैंडी। गैंडी हे गैंडी रॉय यो ब्रो। तो अभी जाएंगे, जा रहे हैं मैक्स में, अभी जा रहे हैं। एक बार मैक्स को दिखा दीजिए, एक बार आकाश भाई। इधर हम लोग जा रहे हैं मैक्स में, और सामने ट्रेंड्स, किसी को अगर खरीदना है जूता फूटा ट्रेंड्स फुटवेयर आ जाइए। एकदम बताना, एकदम बताना, बहुत ज़्यादा दाम होता है। आप गौर कीजिए बंदे का चलने का स्टाइल पे, गौर कीजिए। ये बंदा ऐसा चलता है ना, देखिए सिर्फ एक बार ऐसे ही चलेगा। गौर से देखिए, इधर फोटोशूट चल रहा है, मतलब आयना मिलते ही फोटोशूट आ जा रहा है। दीपम वाह बे, मास्क खोल दो, चश्मा खोल दो, मास्क खोल दो, और क्या क्या खोलना है खोल दो। और ज्यादा कुछ नहीं खोलना, नहीं खोलना है तो खींचो जल्दी। अरे वाह बहुत अच्छा आ रहा है, सिर्फ हम स्टाइल मारो। अरे वाह मस्त आ रहा है, मस्त, और थोड़ा बस। पसंद नहीं आया? बोले दूर जाने के लिए, दूर जाने के लिए बोले। अरे ये दो महाशय को देखो, ये दो महाशय को देखिए, गौर से देखिए, महारथी। ठीक है तो पैंट दिए दे, जमा जगह पैंट भालो वालो तो पैंट दिए दे। চাই ঠিক আছে দেখা যাবে ওটা বটল গ্রিন না নরমাল গ্রিন দেন কি গ্রিন আমাকে ওয়াটার বটল গ্রিন মানে কালার নি আছে ঠিক ও মাই গড দীপম তুই একটা আর্টিস্টের সাথে তর্ক কিভাবে করতে পারলি মানে তর্ক করছিস কারণ তুই না হিন্দি মে বলো সরি গলতি হো গয়া হাম তর্ক কর রে কিউকি ইসকা ব্রেন মে ইসকা মাথা মে কোই দিমাগ নেই হ্যাঁ তোমার মাথায় তো অনেক দিমাগ আছে হিন্দি মে কাইন্ডলি হিন্দি মে ইয়ে হিন্দি চ্যানেল হ্যায় ঝগড়া সময় হিন্দি আছে সরি গাইস হাম লোগ ইয়ে বেঙ্গলি বল চুকে হ্যায় বিকজ হাম লোগ অল টাইম বেঙ্গলি মে বাত করতে হ্যায় ব্লগ কে লিয়ে সিরফ হিন্দি মে করনা পড় রাহা হ্যায় समझ जाओ और नहीं समझ रहे तो एमनी देख केमन लाग जे थोड़े था 46 सेकंड में हो गया दो एंडी घुस जाएगा जरूर घुस जाएगा दो एंडी घुस जाएगा बहुत मशक्कत चल रहा है बिकॉज एंडी का ये यूनिवर्सल बॉडी बहुत कम देख पाएंगे आप लोग एंडी का ऐसा यूनिवर्सल बॉडी तो बहुत मशक्कत चल रहा है हम लोग शर्ट का साइज नहीं मिल रहा है गाइस हम लोग का शर्ट का साइज नहीं मिल रहा है ऐसा यूनिवर्सल बॉडी एंडी बनाया है हम भी यूनिवर्सल बॉडी में पड़ते हैं बट उतना ज्यादा हम लोग को तो किड्स में जाना चाहिए था क्यों ये हम कहाँ आ गए क्यों जाना चाहिए था ये डायलॉग ही पूरा व्लॉग खत्म कर दिया ओह माय गॉड क्यों जाना चाहिए था क्योंकि उसको फिटिंग्स नहीं होता और छोटा जामा उसको जरूर फिटिंग होता मतलब उसको जो मिला है एंडी तुमको जो मिला है एक साइज का वो भी तुमको अंकल का साइज का मिला वही ना हाँ वही तो मेन बात है वही मेन बात है तुमको किड्स सेक्शन में जाना पड़ेगा एक्चुअली बात ये है कि उसको जो मिला वो उसको पहनना नहीं है और उसको वही पहनना है जो उसको मिला नहीं ये मैं लेके जा रहा हूँ गाइस एंडी ये पसंद आया ये तो बुढ़ा का जरा मेरे लिए के मेरा दादा पसंद नहीं आया दादाजी का लिए क्यों कैसा है पूरा बुढ़ा लोग का तरह वो एंडी बोल दिया पूरा दादाजी के लिए है जो सीनियर सिटीजन के लिए होता है तो ये भैया अभी ये दिखा रहे हैं ये बहुत अच्छा कलर है तुमको ये पसंद आ रहा है ना हाँ। और ये वाला तो मेरा चॉइस है आपका चॉइस है चलिए अंदर में अच्छा लग रहा है ना ठीक है चलो अंदर जाके दिखाता हूँ सिक्योरिटी चेकिंग हो रहा है इधर चलो अंडी बंद करना नहीं पड़ेगा ये खोल के करो
तुम बंद कर दो थोड़ा। हम लोग आ गए हैं ट्रायल रूम में गाइज, बहुत देर बाद, बहुत दिनों बाद। लास्ट ईयर में शॉपिंग नहीं किया था, आज एंडी के लिए हमको फील आ रहा है कि आज हम लोग दो ठो का अंदर एक ठो का। ये मेरा चॉइस है, एज यूजुअल मेरा चॉइस जैसा होता है। ये भी मेरा। एग्जैक्टली कपड़ा खोलो। नहीं हम नहीं खोलेंगे, हम इधर से देंगे। और ये बंदा रेडी हो चुका है, देखिए कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है, फील कैसा आ रहा है, क्वालिटी का फील तो बहुत कैसा लग रहा है, अच्छा ही लग रहा है तो भाई बहुत सही लग रहा है। पीछे से देख एकदम, पीछे भी सही लग रहा है, अच्छा ही लग रहा है भाई। ये वाला मस्त लग रहा है, ये वाला बहुत अच्छा लग रहा है। घूम घूम, ओ थोड़ा पोज दो भाई, मस्त लग रहा है, सही है ये वाला। देखो पीछे से, पीछे से भी अच्छा ही है। हाँ हाँ अच्छा ही, अच्छा ही लग रहा है। बधाई हो भाई, तुमको मिल गया है अंडी को। वाह चल खिलाओ खिलाओ, ए लड्डू खिलाओ लड्डू खिलाओ, ए लड्डू खिलाओ। बधाई हो, बधाई हो। अंडी कितना खुश है, तुम बोलो। अंडी मास्क पहनो, तुम मास्क नहीं पहना है, ओवर एक्साइटमेंट में मास्क नहीं पहना है तुम, दो पकड़ रहे, मास्क पहनो। अरे स्टाइल में पहनेगा ये लड़का, पहनो पहनो। एक्सक्यूज मी गाइस, ये बदतमीज है, लेकिन आप लोग बदतमीजी मत करना कहीं, मॉल पे जाके मास्क मत पहनो। कपड़े चेंज करते हुए डोंट बी लाइक एंडी। तो राहुल अभी अभी हम लोग क्या देखे, अभी अभी यहाँ पे बहुत बड़ा क्यूटी अप्पा हो गया हमारे साथ। हाँ जॉकी, जॉकी हाँ जॉकी से याद आया। हाँ। यहाँ पे बहुत कोई लोग आते हैं बिना कुछ पहने। हाँ। और बहुत कुछ पहन के निकल जाते हैं, निकल जाते हैं अंदर से, जैसे कि आप समझ ही सक रहे हो कि अंदर की बात होता है, समझ रहे हो ना। तो अभी पकड़ा गया था वो, तो डिपॉम लिया था बहुत कुछ अंदर का चीज़ें, तो बच के उठा। ये वीडियो में दिखा नहीं पाए, तो कभी भी कुछ भी पहन के मत निकलिए, स्पेशली अंदर वाला चीज बहुत गजब बेइज्जती हो जाएगा। कैप्शन क्या होगा, क्या कैप्शन होगा, भाई ने लिया अपना पसंद का चीज़, और क्या मतलब तो भाई ने लिया उसका पसंद। हाँ। का चीज़ तो भाई ने ले लिया, भाई ने 28 छाती वाला मान लिया, 46 वाला शर्ट। अब कैसे होगा ये 28, ये आप दूसरा ब्लॉग में पता चलेगा। चाप के होगा पूरा, चाप चाप के। तो 28 क्या 40 का साइज, 28 28 ये 46 का साइज, 46 कैसे 28 में तब्दील हो जा सकता है, ये आप लोग नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट ब्लॉग में आपको पता चलेगा 46 टू 28 कैसे होगा। हे गाइस अभी रात का 1:45 बज रहा है, मैं तुरंत एडिट कंप्लीट किया। सो आने के बाद मैं एक घंटा रेस्ट लिया, 11 बजे से अभी एडिट किया, तो आराम से एडिट कर सकता हूँ अगर मैं, अगर थोड़ा पहले से टाइम से लेके बैठूँ। मन नहीं करता आने के बाद, फिर अगर कर लेंगे तो अच्छा लगता है, मन भी लग जाता है। तो बस आप लोग अगर व्लॉग पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर नहीं पसंद आया तो कोई बात नहीं, आपका भाई फिर लाएगा नेक्स्ट व्लॉग अच्छे से। तो ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए गाइस, खुश रहिए, स्टे हेल्दी स्टे फिट, एंड मॉर्निंग व्लॉग साइनिंग ऑफ गाइस। नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं गाइस, बाय।